रिवान चीमा आई वेलकम बैक विद वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंटरचेंज पे होने वाली अपडेट के हवाले से बताऊंगा एज ऑफ ट्वेंटी एट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री किस वक्त साइट पर डेवलपमेंट की अपडेट क्या है इंटरचेंज की साइड पर अभी इंटरचेंज की साइड पर अगर देखें अगर आप मोटरवे स्लिप इन देखें तो रिसेंट डेज में तकीबा लास्ट वन मंथ की कंपेरिजन कम, करें तो आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को फील होता है क्योंकि ये जो रोड नज़र आ रहा है आपको और सामने यहाँ जो मेरे हाल में यहाँ टॉल प्लाजा बन रहा है ये एक्जिस्ट नहीं करता था पहले प्रीवियसली ये सारा एरिया जो था बिल्कुल रॉ लैंड थी जैसे आपको यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है इससे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था लेकिन अब अगर आप करंटली साइड पर विज़िट करते हैं तो आपको साइड और बड़ी मैसिव डेवलपमेंट देखने को नज़र आती हैं अभी एक तो इंटरचेंज के साथ जो स्लिपिन के साथ आपका जो टॉल प्लाजे की स्पेस है उसको तैयार किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सराउंडिंग है उसको भी काफ़ी हद तक ब्राउन किया गया है मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रॉपरली नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से या जिस भी डोमेन में या जिस भी अथॉरिटी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंटरचेंज का उस अथॉरिटी की तरफ से अभी यहाँ पे बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी लेकिन लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है फॉर द टाइमिंग इस इंटरचेंज के अपोजिट साइड पर देखें तो जहाँ सोसाइटी के यहाँ कुछ कैंप ऑफिस नजर आ रहे हैं इसके साथ बैक साइड पर ओवरसीज़ प्राइम टू की लैंड है लेकिन उस पर हम बाद में जिक्र करेंगे आज की डेट में सिर्फ इंटरचेंज की डेवलपमेंट की अपडेट देखते हैं कि फॉर द टाइम बिंग इंटरचेन की जो एक्चुअल साइट है उस पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है अभी एम टू मोटरवे के ऊपर देखें तो स्लिप इन के साथ से डायरेक्टली आगे पहले एक्सेस पॉइंट जो था वो कच्चा रास्ता था प्रॉपरली क्लियर रास्ता नहीं था लेकिन अब ये रास्ता प्रॉपर्ली तैयार हो गया और इस पर प्रॉपर्ली कुछ दिन पहले आपने इमेजेस भी देखी होंगी फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे प्रॉपर्ली इस रास्ते को प्रॉपरली लिट किया गई है प्रॉपर्ली जो लाइट्स होती हैं इस रास्ते पे वो भी ऑन हो गई हैं तो ये आपका स्लिप इन बनता है स्लिप इन के साथ आप आगे मूव करते हैं तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये राउंड अबाउट से पहले मेरा ख्याल है कि यहाँ पे टॉल प्लाज़ा के लिए जो है वो प्रॉपरली इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ पे टॉल प्लाज़ा कलेक्शन होगी और ये रोड आगे चार सौ रोड की तरफ लीड करता है मैं आगे आपको वो भी डेवलपमेंट दिखाता दूँगा उसमें तो डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ये ट्वेंटी जनवरी की अपडेटेड फुटेज है और मैं साइट पर ही खड़े होकर साथ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आपको इस राउंड अबाउट से पहले ये सारा आई थिंक इंटरसेक्शन के लिए जो टोल प्लाजा के लिए है वो आ, बनाई जा रहे हैं स्लिपेंस और ये रोड आगे चार सौ फिट रोड लीड करता है टूवर्ड्स डॉक्टर एंड क्लेव डॉक्टर एंड क्लेव जो है उसको सोसाइटी की तरफ से भी लॉन्च नहीं किया गया लेकिन लेटेस्ट स्टेज में जाहिर सी बात है कि जितनी प्राइम लोकेशन है इसमें लास्ट इंटरव्यू में जो मलिक असलम साहब के साथ था मेरा उसे मैंने उससे ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर एंड क्लेव जो है इसको कब लॉन्च किया जाएगा तो उनका ये कहना था कि अभी एक अपना नाम से एक कह लें कि सोसाइटी है इन यू एस ए डॉक्टर्स की उनको हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लाट्स यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं बाकी जो प्लाट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं सोसाइटी के पास और सोसाइटी इसको लेटेस्ट स्टेज पर मे भी, भी लॉन्च करे लेट्स इस सिर्फ ये यहाँ पर भी एफ डे कंटेनर पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में फ्यूचर में सिर्फ एक्सटेंड करने का पॉइंट है और ये रोड आगे सारा लीड करता है टूवर्ड्स डॉक्टर एंड क्लेव बीच में कुछ पार्ट अभी ग्रीन मौजूद है डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उस पर डेवलपमेंट भी होनी है लेकिन मेनली जो कंसर्न है आज का वो है इंटरचेंज पर डेवलपमेंट कि इंटरचेंज का रूट है उस पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या बना है आज की डेट में या इंटरचेंज पॉइंट से आपने एंट्री लेनी है मेबर्स ने क्योंकि सोसाइटी की तरफ से अभी फरवरी में ट्वेंटी फिफ्थ फरवरी को जब नेक्स्ट बैलेटिंग की जा रही है तो जितने भी प्लॉट नॉन बैलेटेड हैं अभी तक जो भी प्लॉट प्रिक्योर हुए हैं कैपिटल स्मार्टी के अंदर हा वो किसी भी ब्लॉक में ओवरसीज़ ईस्ट में ओवरसीज प्राइम में ओवरसीज़ सेंट्रल में किसी ब्लॉक में हो तो सोसाइटी की तरफ से उनका बैलेट किया जा रहा है तो जब ओवरऑल बैलेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तमाम के तमाम प्लॉट्स को यहाँ पे नंबर एलोकेट हो जाएंगे नंबर एलोकेट होने से मुरादा है कि ज़ाहिर सी बात है तो सोसाइटी वहीं पर नंबर एलोकेट करेगी यहाँ पर लैंड प्रक्योरमेंट मुकम्मल है तो नंबर एलोकेट जब हो जाएंगे बैलेटिंग में तो यहाँ पर जितनी डिवेलपमेंट है यहाँ पर जितने मैंबर एक्सेस लेना चाहेंगे तो उनके लिए बड़ी ओपन एक्सेस अवेलेबल होगी अभी करंटली जो है वो इस रूट के थ्रू यानी कि ये जो कच्चा रास्ता अवेलेबल है इसी के रस्ते आते जाते हैं लेकिन फ्यूचर में जाहिर सी बात है जब सोसाइटी की तरफ तो से मेंबर्स को यहाँ पे जनरली पोजीशन ऑफर होगा तो मेंबर्स अपने ओन पे जब एक घर का स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको काफी हद तक ये एक रास्ता प्रॉपरली बना हुआ नजर आ जाएगा अभी प्रॉपरली जो राउंड अबाउट है इंटरचेंज एक्सेस है जो लूप है और जो टोल प्लाजा की जगह है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो फर्स्ट प्रोयरिटी मेरे ख्याल में इसी को कंप्लीट किया जाएगा जो एन एच ए के बायोज हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो मोटरवे की एक्सेस इस्तेमाल करे तो जो मोटरवे के एक्सेस को इस्तेमाल करके जो मोटरवे को एग्जिट लें तो वहां पर टोल प्लाजा होना चाहिए जहाँ पर वो टॉल की कलेक्शन हो सके जो कि एन का बेसिक रूल है बेसिकली जहाँ से उनकी मैसे अर्निंग होती है मोटरवे की मैनेजमेंट की तो तमाम अर्निंग के लिए सबसे पहली प्रोयरिटी पे ये इस टोल प्लाजा को रखा गया तो मेरे ख्याल में टोल प्लाजा की कंस्ट्रक्शन आने वाले चंद दिनों में आपको साइड पे मुकम्मल नज़र आ जाएगी कि ये मुकम्मल हो चुकी है तो फॉर द टाइम बिंग अभी ये एक्चुअल सैनैरियो है ट्वेंटी एट्थ ऑफ फेबररी 2023 का अभी आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह शाला ओवरसीज सेंट्रल ओवरसीज ईस्ट और हारमी पार्क ब्लॉक के वाले से मैं आपको वो बता दूंगा और जो भी इसके वाले से जनरल मेंबर्स अभी जो भी, जो भी जिस भी ब्लॉक की वीडियो देखना चाहते हो तो लाइन लाइंडली कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस ब्लॉक की वीडियो देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि अभी इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं इतने ज्यादा ब्लॉक हैं और इतने ज्यादा ब्लॉकों के अंदर अब एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इस ब्लॉक की वीडियो पहले बनानी है साइड में आते हैं कोई भी चीज़ की डेवलपमेंट नजर आती है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन आप किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के वाले से वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लाजम बताएं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि वाले दिनों में उस पर लाजमी वीडियो बनाऊँ बना, बना सकूँ ताकि मेम्बर्स को जनरल अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉपर अपडेट मिल इट फ्रॉम डे अगर आपको स्मार्टी या लाहौर स्मार्टी में बुकिंग हवाले से कुछ मालूम चाहिए हो या किसी भी और सोसाइट के हवाले तो दिए गए नंबर राबाद करें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदाफाफिज़